आइए हनुमान जी की एक अनदेखी अनसुनी कहानी सुने। संक्षिप्त हनुमान कथा है। ये हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना एक नारी वानर के रूप में हुआ था। अंजना असल में पुंजी कस्थला नाम की एक अप्सरा थी, मगर एक श्राप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। उस श्राप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था। अंजना केसरी की पत्नी थी। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार ऐसे आए साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था, तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजर सुदान हाथी को मारने वाला के नाम से भी जाना जाता है। केसरी के संग में अंजना ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप अंजना ने हनुमान शिव के अंश को जन्म दिया। जिस समय अंजना शिव की आराधना कर रही थी, उसी समय अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामना यज्ञ करवा रहे थे। फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य फल प्राप्त हुआ, जिसे उसकी रानियों ने बराबर हिस्सों में बांटकर ग्रहण किया। इसी के फलस्वरूप उन्हें राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न पुत्र रूप में प्राप्त हुए। विधि का विधान ही कहेंगे कि उस दिव्य फल का छोटा सा टुकड़ा एक चील काट के ले गई और उसी वन के ऊपर से उड़ते हुए जहां अंजना और केसरी तपस्या कर रहे थे, चील के मुंह से वो टुकड़ा नीचे गिर गया। उस टुकड़े को पवन देव ने अपने प्रभाव से याचक बनी हुई अंजना के हाथों में गिरा दिया। ईश्वर का वरदान समझकर अंजना ने उसे ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पुत्र के रूप में हनुमान को जन्म दिया। अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।